लापरवाही तो पहला तो सड़क का कमी है, उसके कारण थोड़ा सा बोला जा रहा है कि 1 घंटा पूर्व पहुँचते तो आज वो हम लोग के सामने होते। जैसे यहाँ सड़क के कारण से हमको गाड़ी से लेके जाने का सुविधा नहीं मिला, इसीलिए हमको इसको मृत्यु हो गया, हमको टाइम नहीं मिला रास्ता की वजह से। जोहार नमस्कार, मैं हूँ शिवा और आप देख रहे हैं झारखंड नवनिर्माण। आज के इस वीडियो में मैं पहले आप लोग से निवेदन करूंगा कि ये वीडियो बिल्कुल रुक के आप लोग देखिएगा, क्योंकि झारखंड की असली सच्चाई जो हकीकत है मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो से जाइएगा नहीं, रुक के देखिएगा। और आप लोगों का भी एक जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे स्थान की जो आज मैं रिपोर्टिंग करने वाला हूँ, उस स्थान की जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो पूरे झारखंड नहीं पूरे देश को जानना चाहिए। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और इस स्थिति क्या है वो मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। पहली बार डुमरी प्रखंड से, गिरिडीह जिला का डुमरी प्रखंड के एक सुदूरवर्ती इलाका में हम आए हुए हैं रिपोर्टिंग करने के लिए। हमको पता चला कि एक महिला की मौत हो जाती है, क्यों होती है सारा कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। और मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा कि क्या है मामला। तो आप पहले आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये जो सुदूरवर्ती इलाका है जहाँ पर आदिवासी लोग यहाँ पर रहते हैं, कैसे रहते हैं। इस वीडियो से आप अंदाज़ा कर सकते हैं यहाँ पर जो मामला है, वो मामला ये था कि एक महिला की मौत हो जाती है और उसका जो अभाव है कहीं ना कहीं आप लोग देखे होंगे, खटिया में लाद करके, डोली में लाद करके लोगों को इलाज करने लोग जाते हैं। और ये जो सच्चाई है वो किसी से छुपी नहीं है। जहाँ डॉक्टर जैसे बीमारियाँ उठ गए ना, आग बकाए गए तो लगता है जल्दी तो कुछ रहते होते ले, अभी रहते कैसे होते, एकदम पूरा ही आग बकाए गए तो रास्ता ठीक ना है ना, लगते लगते रास्ते किधरवा खत्म हो गए। चाची देखो लिए कि खटिया में लाद के ले जा ला करा। हाँ तो खटिया में लाद के ले गए तो ये बहरुआ में पार करे में दिक्कत हो जाए ना, तो पूरा एकदम सीरियस भई गेले तो की करबे, लेखते लेखते एकदम आधे रास्ते में। हाँ आवे घरी ना जाए घरी गिदरवा खत्म भेले। अच्छा, हाँ की बोलो ते खत्म भई गेले गो डॉक्टर घर ले गेले, डॉक्टर घर लगे ना पारला। हां ले लिए हुआ करा, हुआ करा जे के लिए हां पुनिया डूब पिया दल के डॉक्टर रे और हुए कर खत्म भई गेले, ले लिए और हुआ पहुंच के खत्म भई गेले। से मौत होता है आपकी पत्नी का? मेरा पत्नी का जैसे मौत होता है, इधर इधर देखो, जैसे यहाँ सड़क के कारण से हमको गाड़ी से लेके जाने का सुविधा नहीं मिला, इसीलिए हमको इसको मृत्यु हो गया, हमको टाइम नहीं मिला रास्ता की वजह से। खटिया में ले जा रहे थे आप लोग? हाँ खटिया में हम लोग टांग के लेके जा रहे थे। अच्छा, आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि अगर रास्ता सही रहता और हम लोग समय पर डॉक्टर के पास पहुंच जाते तो आपकी जो पत्नी है उसको बचाया जा सकता था? बचाया जा सकता था, उम्मीद था कि बचाया जा सकता था, हर सड़क रहता तो, सड़क के नहीं के कारण से मेरा पत्नी अभी मृत्यु हो गया। ये मौत है या फिर ये हत्या है? मौत ही है। आप मौत बोल रहे हैं पर मैं इसे हत्या कहूँगा, क्यों? क्योंकि जिस 40% मिनरल्स वाला जो हमारा राज्य है, अगर यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो सरकारी जो व्यवस्था है, अगर यहाँ पे रोड की व्यवस्था की होती और अगर आप लोग रोड के व्यवस्था से गाड़ी से लेके जाते हैं तो इलाज हो पा जाता, समय पर हो जाता, तो क्या है आपकी पत्नी की मौत होती? नहीं होती, नहीं होती। तो आप इसे हत्या कहेंगे या मौत? हत्या ही कहेंगे ना। तो ये जो हकीकत है, ये हकीकत इसलिए मैं बयां कर रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि जो फ्यूचर में, अच्छा इससे पहले भी 1 महीना पहले घटना हुआ है? हाँ हुआ, एक नहीं दो हुआ था। इसे क्या हुआ था वो भी बताएंगे थोड़ा सा। डिलीवरी पेशेंट का दादा था, डिलीवरी पेशेंट था, उसको भी ले जाने के क्रम में मौत हो जाती है? हाँ उसी के लेके जाने के सुविधा के वजह से, सड़क के वजह से हम लोग को ले जाने के लिए हम लोग परेशान तकलीफ हो जाता है तो। अच्छा, कभी ये आपको नहीं लगा कि हमको ये शिकायत करनी चाहिए? क्योंकि आगे आज मान ली 2 महीना पहले आप शिकायत किए होते तो आपकी पत्नी आज जिंदा रहती? जिंदा रहते। शिकायत किए थे? शिकायत किए थे, जैसे एप्लीकेशन बहुत ब्लॉक में बहुत जमा किए थे, बहुत एप्लीकेशन लिख के दिए थे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं दिए, ऐसा बात नहीं है, बहुत बार जमा किया है कि हम लोग रोड दीजिए, चापाकल दीजिए, तालाब दीजिए, कुआं दीजिए, तो सब कुछ का एप्लीकेशन हम लोग दे चुके हैं और ब्लॉक में भी अभी होगा तो पड़ा होगा अभी ब्लॉक में भी, फिर भी आप लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है। क्या दादा यहाँ की जो मामला है, सच में ये मामला होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था, इतना पिछड़े लोग हैं हम लोग। पिछड़े तो हैं सब, नेता मंत्री सब आते हैं, अखिलेश आश्वासन देते हैं और जाते हैं कि रोड बनेगा, आज तक नहीं बना। विधायक मंत्री एरोप्लेन और
फॉर्चूनर से घूरो और ये हालात हो कि तुम खटिया में लगे पड़ रहो, ये सही बात लगे। अच्छा की करूँ, अच्छा हमने के जे काम है था बोलो ये हमने नेता सभा होते हक काल बनेगा परसू बन तो नसू बन तो आज तक ना बोलो। अच्छा मालिक के लगे, तुम्हें लगे कि नेता लगे? हमने लगे ऐसी बात ना है। तुम मालिक हो कैसे कहे बात करो है की कर? अच्छा हमने कोई सुनो है हमने के बात? कैसे सुनते कोई ना सुनो हमने के बात, या एमपी एमएलए कोई भी ना सुनो। जे मैम लगातार यहाँ 4 बार विधायक और बीजेपी से भी सांसद 4-5 बार वो भी है, लेकिन आज तक कोई संज्ञा ना ले लो, आज कुछ ना भेलो आज तक। दोनों के सत्ता है यहाँ, ऊपर में बीजेपी यार झारखंड में जे मैम के सरकार हो, लेकिन कहाँ सुन रहे हमने के कुछ ना सुन रहे। कितना बार राजू माता भी कह लिए कि भैया यहाँ पुल बना दीजिए, इन लोगों का असुविधा हो रहा है, बल्कि जमीन कौन देगा साहब हम लोग देंगे, लेकिन कोई सुन रहा है? कोई भी नहीं सुन रहा है। चंद प्रकाश चौधरी के पास भी गए हैं, वो भी बोले कि हाँ कर देंगे कर देंगे, अभी तक करते हैं, अभी कुछ नहीं हुआ है अभी तक। छुरी बड़ा एक आदिवासी बहुल क्षेत्र में जहाँ संसाधन और विकास से अभी बहुत कोसों दूर है, पता चल रहा है कि सड़क नहीं होने के कारण डोली में यहाँ के लोग पहाड़ों में पर्वतों में रहते हैं, फिर भी व्यक्ति का मौत महिला का मौत हो जाती है, क्या कहना चाहिए इसमें? तो सबसे पहले हम मृत आत्मा को भगवान से प्रार्थना करते हैं अपना स्थान में जगह दे। बहुत दुख है, हम लोग इस परिवार के साथ खड़े हैं और हम पहली बार हमको कल ही सूचना मिला कैसे ऐसा है, तो आज सुबह हम आए देखे। वाकई में विकास से थोड़ा दूर है इस पंचायत, हम प्रयास करते हैं बहुत जल्द जो भी इस गांव का समस्या उसको हम लोग पूरा करेंगे। सॉरी जगन्नाथ महतो के यहाँ के विधायक रहे हैं और विकास डुमरी विधानसभा में कई लोग बोलते हैं कि डुमरी सिवान विकास किए हैं, आप भी देखें और आप भी आए रास्ते में किस तरह की परिस्थिति थी, तो क्या अभी आश्वासन दे के जा रहे हैं कि कार्य आगे करेंगे, कब तक देखेगा? आश्वासन नहीं देंगे, हम लोग काम करके दिखा देंगे। अभी परिवार के लिए क्या कर रहे हैं, जो परिवार बहुत गरीब स्थिति में है? परिवार के लिए हम लोग आर्थिक सहयोग करेंगे और प्रशासन से भी कुछ सहयोग दिलवाएंगे और आगे इसके परिवार के साथ हम खड़े हैं, सुख दुख में खड़े रहेंगे। यहाँ पे करीबन 18-20 गांव ये घर है, उन लोग के लिए सड़क की मांग हो रही है, कब तक आप इन लोग का सपना पूरा? हम आज ही अनुशंसा कर देंगे इस सड़क की। कब तक पूरी हो सकती है? अब जो कागजी प्रक्रिया में जो समय लग जाए, पर मैं आप लोग को बोल के जा रहा हूँ आज ही अनुशंसा हो जाएगा इस सड़क का। आप यहाँ आए तो कैसा लग रहा है, जैसे सुदूरवर्ती जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा और लगातार 20 साल से भी आपके पापा यहाँ पे किए, तो यहाँ आने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए विकास यहाँ कुछ छूट गया है, अब कारण तो नहीं बता सकते हैं, नहीं तो अब हर जगह मेरे क्षेत्र में जा सकते हैं जो विकास हुआ है, और यहाँ कैसे छूटा है, रेयर केस में छूट गया है, तो इसको हम लोग पूरा कर देंगे। अच्छा लगातार झारखंड सरकार स्वास्थ्य विभाग पर जो हो रही है, क्या ये लापरवाही माना जाए? नहीं तो लापरवाही तो पहला तो सड़क का कमी है, उसके कारण थोड़ा सा बोला जा रहा है कि 1 घंटा पूर्व पहुँचते तो आज वो हम लोग के सामने होते। अच्छा पीड़ित की मृत्यु कैसे हुई? वो शायद कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित थी उसके वजह से। वाकई में काफ़ी दुखदाई है, आज आज़ादी के 80 वर्ष होने के बाद भी, 75 वर्ष पार करने के बावजूद भी आज आदिवासी बहुल गांव में सड़क नहीं रहना यह दुर्भाग्य है। इस क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो यहां से विधायक बन रहे हैं और जो यहां अधिकारी हैं, उनका निराशा रवैया और अबुआ राज में बबुआ राज वाला हाल हो गया, चूँकि यहाँ आदिवासी की सरकार होने के बाद आदिवासी के हितैषी की बात करने वाली सरकार और आदिवासी गांव में आज विकास की किरण से कोसों दूर है, या कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा देश चांद में तिरंगा लहरा रहा है और आज़ादी के 75 वर्ष से भी अधिक हो गया है, लोग रोड के लिए तरस रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि राजनीति के शिकार यहाँ के लोग हो रहे हैं। आपको हम बताना चाहते हैं कि मधगोपाली पंचायत डुमरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है, वो झरना गांव था, वहाँ भी यही हाल था। मेरी मिसेस वहाँ से जिला परिषद की सदस्य बनी और उनका वादा था कि हम चुनाव जीतने के बाद पहला रोड यहाँ का काम करेंगे। आदिवासी परिवार ईमानदार होते हैं, चुनाव के समय में लोग इनसे वोट बहुत आसानी से ले लेते हैं, उसी का कहा जाए परिणाम दिख रहा है। आप लोग इस वीडियो को देखें, कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, और जो हकीकत है मैं आप तक ले आया हूं। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।